जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, महाडायन तुरंत कछुए की तरफ नजरें करती है और उसे गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तू इसे यहाँ पर लेकर आया है ना, अब तू भी मरेगा। तू अपनी मौत के पास चलकर आया है और अब वो मौत तेरे गले मिलेगी। आ, अपनी मौत से मिल। महाडायन का गुस्सा देखकर कछुए की भी जान हलक में आ जाती है। वो समझ गया था कि महाडायन उसे भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए कछुआ तुरंत अपना नाखून महाडायन की तरफ करता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है। कछुआ ने अभी मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि उसी वक्त एक और चोटी सांप की तरह लहराती हुई आती है और कछुए के मुंह से बनते हुए उसके पूरे बदन से लिपट जाती है। कछुए को उसके मुंह से लेकर पैर तक बांध देती है। वो भी युग की तरह लाचार हो जाता है। कायर तो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पा रहा था। महाडायन खुद से बड़बड़ाते हुए डरावनी आवाज में कहती है, गलती कर दी यहाँ पर आकर तुम लोगों ने, अब मरोगे तुम सब। कहा था ना चले जाओ, पर नहीं गए ना, अब उसकी सजा भुगतो तुम लोग, और सजा है मौत। महाडायन की बातें सुनकर कायर और युग भी अब डर गए थे और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए किसी जानवर की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे, जो कुछ ही देर में हलाल होने वाला था। कायर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो इतना डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, उसके मुंह से एक चूं तक नहीं निकल रही थी। कायर मन में सोचने लग जाता है, इस युग और कछुए के पास तो शक्तियां थी, तब भी ये महाडायन का कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, तो मैं भला इस महाडायन का क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहीं पर चुपचाप खड़े रहता हूँ, वरना मेरा हाल भी इन दोनों की तरह ही हो जाएगा। कायर वहीं पर खड़े रहता है। वो अपनी आंखों के सामने युग और कायर को तड़पते हुए देख रहा था। वो चोटी जो उनके हाथ पैर बदन में बंधी हुई थी, वो धीरे धीरे वो कसते जा रही थी और इतना कस गई थी कि उस चोटी ने उनके शरीर के अंदर के खून के प्रवाह को लगभग रोक दिया था और वो दर्द से तड़पने लग गए थे। उनके अंदर से आवाजें भी निकल रही थी, तो वो सिर्फ दर्द से कराहने की। युग और कछुआ दर्द से इतना कराह रहे थे कि कायर से भी उनकी ये तड़प देखी नहीं जा रही थी। महाडायन युग और कछुए की तड़प देख कर हंसते जा रही थी, जैसे उसे उन दोनों की तड़प देखने में बड़ा मजा आ रहा था। कायर कछुआ और युग को तड़पते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे अभिमन्यु की बात याद आ जाती है, जो अभिमन्यु ने उससे तब कही थी जब वो युग और कछुए के साथ जाने के लिए मना कर रहा था। कायर ये कह रहा था कि वो कछुए और युग के साथ जाकर क्या करेगा, उसके पास तो कोई शक्ति भी नहीं है जिससे वो युग और कछुए की मदद कर सके। उस वक्त अभिमन्यु ने उससे कहा था कि जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ मदद करने के लिए किसी शक्ति की जरूरत हो, इंसान बिना शक्ति के भी बहुत कुछ कर सकता है, बस जरूरत है तो हिम्मत की, और कायर तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। कायर के दिमाग में अभिमन्यु की यही बात घूम रही थी, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है तेरे अंदर कायर। कायर के कान में बार बार यही आवाज गूंजी रही थी कि तभी उसका हाथ उसके पैंट की सामने की जेब पर जाता है, उसी जेब पर जिसमें उसने कुछ रखा हुआ था जो वो हवेली के अंदर से लेकर आया था। कछुए को हवेली के दरवाजे पर खड़ा करके कायर सामने की पैंट के अंदर ही उस चीज को थामते हुए कहता है, हाँ कायर तेरे अंदर बहुत हिम्मत है और आज उस हिम्मत को दिखाने का वक्त आ गया है। वो महाडायन अपनी जादुई चोटी से कछुआ और युग को तड़पा ही रही थी कि तभी कायर बड़ी हिम्मत करके कहता है, रुक जाओ महाडायन, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। महाडायन युग और कछुए से अपनी नजरें हटाते हुए कायर को देखते हुए कहती है, तू मुझे रोकेगा, तेरी ये मजाल। कायर डरने का नाटक करते हुए कहता है, मैं कैसे तुमको रोक सकता हूँ महाडायन, तुम तो सब जानती हो मेरे पास थोड़ी कोई काली शक्ति है जो मैं तुम्हें रोकूं। महाडायन कुछ नहीं कहती है, बस अपनी हरी चमकती हुई आंखों से कायर की आंखों के अंदर देखने लग जाती है। कायर के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महाडायन इतने गौर से उसकी आंखों के अंदर क्या देखने की कोशिश कर रही है। वो क्या कर रही थी, महाडायन कायर की आंखों में देख ही रही थी कि अगले ही पल वो कायर को घूरते हुए कहती है, तू ही था ना जिसने वो पहेली सुलझाई थी, मरना तो तुझे चाहिए सबसे पहले, तेरे ही कारण ये लोग यहाँ तक पहुंचे है ना तू वो पहेली सुलझाता ना ये लोग यहाँ तक पहुंचते। जैसे ही महाडायन ये बात बोलती है, युग शॉक्ड हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बात महाडायन को कैसे पता चली, आखिर ये हम सब के बारे में इतना सब कैसे जानती है। महाडायन अभी भी कायर को गुस्से के साथ देखते हुए गुर्राए जा रही थी। कायर ने अपना हाथ अपनी जेब में डालकर रखा हुआ था, जैसे अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर ही वो कुछ खोलने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वो अपने हाथ बार बार घुमाया जा रहा था। पर वो ये सब इतनी चालाकी के साथ कर रहा था कि महाडायन की उस पर नजर ही नहीं पड़ रही थी। उसने महाडायन को उसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया था,
वो जानबूझकर उससे इतना डर रहा था। कायर महाडायन को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना महाडायन हम यहाँ से चले जाएं, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। महाडायन गुस्से के साथ ही डरावनी आवाज में कहती है, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, अब यहाँ से कोई चीज जाएगी तो वो तुम तीनों की लाशें। कायर महाडायन की आंखों में देखते हुए ही उसके आसपास घूमते हुए कहता है, ऐसे कैसे तुम हमें मार सकती हो, मैंने डायना के मुंह से सुना था तुम अच्छी महाडायन हो, तुम बाकी डायनों की तरह नहीं हो, तुम बलियां नहीं देती थी, वो तो तुमने भक्षानर को बचाने के लिए बलियां देनी शुरू करी थी क्योंकि तुम उससे प्रेम करती थी। कायर की ये बात सुनकर महाडायन को और गुस्सा आ जाता है, वो और गुस्से के साथ कायर को घूरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भक्षानर के नाम से ही चिढ़ हो रही थी। कायर हड़बड़ाहट के साथ ही महाडायन के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो महाडायन, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा कसम से, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब तो ये था कि तुम बहुत अच्छी हो, दयालु हो, इसलिए मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे कसम से। कायर महाडायन से जितनी भी बातें कर रहा था उसके आसपास घूमते हुए कर रहा था। कछुआ कायर के साथ बचपन से रहा था और उसकी हरकत देखकर कछुआ इतना तो जरूर समझ गया था कि कायर कुछ न कुछ खुराफात तो जरूर कर रहा था महाडायन के साथ। उसी वक्त कछुए की नजर कायर के पैंट की जेब पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि कायर की जेब में से पानी की बूंदें लगातार नीचे गिरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैंट की जेब के अंदर कोई सी बॉटल रखी हो जिसका ढक्कन खुला हुआ हो और वहीं से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हो। महाडायन कुछ नहीं बोल रही थी, बस गुस्से से कायर को घूरे जा रही थी। कायर फिर महाडायन के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, हमें जाने दो महाडायन, प्लीज हमें जाने दो, मैं वादा करता हूँ हम यहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। महाडायन डरावनी हंसी के साथ कहती है, वापस तो तब आओगे ना जब यहाँ से वापस जिंदा जा पाओगे, मैं आज ही तुम तीनों को भी ताबूत में ही कैद कर दूंगी जैसे लेखक बाबू कैद है। कायर घूमते हुए कहता है, मतलब अनुराग अंकल की लाश इसी ताबूत के अंदर है? महाडायन ताबूत को देखते हुए कहती है, हाँ वो लेखक इसी के अंदर है, पिछले 14 सालों से मैंने उसके शरीर को बहुत संभाल कर रखा है, कैसे न रखती, आखिर वो मेरा। महाडायन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही योग उसे बीच में टोकते हुए तड़पते हुए कहता है, तुमने इतने सालों से मेरे पापा की लाश को यहाँ पर क्यों छुपा कर रखा था, क्यों उसे संभाल कर रख रही हो? योग की तड़पने की आवाज सुनकर महाडायन को पता नहीं क्या होता है, उसके मुंह से खुद ब खुद बोल निकल पड़ते हैं, ताकि उसके हाथ ना लगे। योग अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ कहता है, किसके हाथ ना लगे? महाडायन जवाब देती है, तुम्हारी मौत के। इतना कहकर महाडायन जोर जोर से हंसने लग जाती है। हंसते हुए ही महाडायन खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ये ताबूत किसी को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, किसी को भी नहीं। कायर अपना लहजा बदलते हुए गुस्से के साथ कहता है, पर मैं इसे लेकर जाऊंगा, इस ताबूत को भी साथ और अपने दोस्तों को भी, देखता हूँ अब मुझे कौन रोकता है। अचानक से कायर का लहजा बदला देखकर महाडायन भी सकते में आ जाती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, अचानक से उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो दहाड़ रहा था, वो भी महाडायन के सामने जो उसका काल हो। महाडायन गुस्से के साथ कायर से पूछती है, क्या कहा तूने? कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, वही जो तूने सुना, मैं ये ताबूत भी लेकर जाऊंगा साथ में अपने दोस्तों को भी, तुझे क्या लगा चक्र सिर्फ तुझे ही बनाना आता है? एक चक्र मुझे भी बनाना आता है, जरा नीचे देख। कायर की ये बात बोलते ही महाडायन तुरंत अपनी नजरें नीचे करती है और वो देखती है कि फर्श पर उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना हुआ था जो पानी से बना हुआ था, जो एक एक बूंद के नीचे गिरने से बना हुआ था। महाडायन उस गोल घेरे के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। पानी की बूंदों का वो घेरा महाडायन के चारों तरफ बना हुआ था। वो बूंदें अभी भी एक दूसरे से कुछ दूरी पर थी जिस कारण वो मिलकर पूरा घेरा नहीं बना रही थी। महाडायन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके चारों तरफ आखिर क्या चीज थी। कायर फर्श पर बने पानी की बूंदों के उस गोल घेरे को देखते हुए कहता है, इसे हॉली वाटर सर्कल कहते हैं, जिसे कोई काली शक्ति पार नहीं कर सकती क्योंकि वो पवित्र जल है जिसके पास तुम जैसी काली शक्तियां कभी नहीं भटक सकती। तूने तो 7 चक्र बनाए थे ना तेरे पास पहुंचने से रोकने के लिए, पर तुझे रोकने के लिए हॉली वाटर का ये एक चक्र ही काफी है। जब तक तू इसे तोड़ेगी तब तक मैं ये ताबूत और अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा चुका हूँगा। महाडायन कुछ करने का सोच ही रही थी कि उसी वक्त कायर अपनी जेब से हॉली वाटर की बोतल निकालता है और बाकी बचा हुआ हॉली वाटर अपने हाथ में लेता है और कसकर बोलता है, सोल ऑफ क्राइस्ट
sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within the wounds, hide me. Let me never be separated from Thee. From the evil one, deliver me. At the hour of my death, call me and bid me come to Thee, that with Thy saints I may praise Thee forever and ever. Amen. जैसे ही कायर ये बोलकर खत्म करता है, वो अपने हाथ का होली वाटर उन दीवारों पर डाल देता है जो महाडायन की हरे रंग की चमकती चोटी से लिपटी हुई थी। जैसे ही पहले होली वाटर की बूंद महाडायन की चोटी पर गिरती है, महाडायन कस कर चीखती है, आह नहीं। महाडायन की चीख के साथ पूरा पंचिम गांव तहक उठता है। सोए हुए पंछी जाग उठते हैं और कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। जैसे ही होली वाटर महाडायन की चोटी पर गिरता है, महाडायन की चोटी की हरे रंग की चमक लुप्त हो जाती है, वो काली हो जाती है और छोटी होने लग जाती है। वो स्पीड के साथ पीछे खींचने लग जाती है। दीवारों और छतों पर जो चोटी फैली हुई थी उनमें भी हलचल होनी शुरू हो जाती है और वो भी पीछे जाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चोटी वापस से महाडायन के सिर में जा रही थी। सिर्फ दीवारों और छत पर फैली हुई चोटी ही नहीं, बल्कि वो चोटी भी वापस चली गई थी जिससे युग के हाथ पैर और कछुए का बदन बंधा हुआ था। देखते ही देखते छत पर और दीवार पर फैली चोटी गायब हो जाती है। वो महाडायन के सिर में ही वापस आती है और अपने आप इतनी स्पीड से उसका जूड़ा बनता है कि उसका सिरा दिखाई नहीं देता। कमरे की दीवारें अब दिखाई देने लग गई थी, पर महाडायन का चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर परछाई थी। महाडायन कुछ करने का सोच ही रही थी कि तभी वो होली वाटर की बूंदों के जिस घेरे में खड़ी थी, वो होली वाटर की बूंद एक एक करके आपस में मिलने लग जाती है और आपस में मिलते हुए ही गोल घेरा बना लेती है। वो घेरा जैसे ही पूरा होता है, जिस तरफ से कांटेदार दीवार ऊपर उठती थी और एक लंबी दीवार बना लेती थी, ठीक उसी तरफ महाडायन के चारों तरफ पानी के एक गोल दीवार बन जाती है। महाडायन फिर चीखती है, नहीं। महाडायन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है, पर वो इतनी पवित्र थी कि इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली थी। महाडायन की आवाज होली वाटर की दीवार से दूसरी साइड सुनाई नहीं दे रही थी, वो इतनी ज्यादा पवित्र थी। कायर युग और कछुए के पास जाते हुए कहता है, तुम दोनों ठीक हो? युग कहता है, हाँ ठीक है, तूने अच्छा काम किया है कायर। कछुआ कायर को देखते हुए कहता है, तो तू होली वाटर लेने गया था हवेली के अंदर? कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ उसे कैसे छोड़ सकता था मैं। महाडायन की चोटी से बंधे रहने के कारण युग और कछुआ के हाथ पैर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए थे, इतने कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कायर की आंखों के सामने ही ताबूत रखा हुआ था। महाडायन का वो हर्ष करके उसके अंदर अब हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो उस ताबूत को खोलने की सोचने लग जाता है। कायर अगले ही पल खड़े होता है और उस ताबूत के पास जाता है। जैसे ही वो उस ताबूत को छूता है, आसमान में ढेर सारे काले बादल जमा होने लग जाते हैं। कायर बड़ी मशक्कत के साथ उस ताबूत को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। वो ताबूत बहुत भारी और पुराना था, जिस कारण उसे खोलने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। युग और कछुए की नजर भी कायर पर ही जमी हुई थी। जैसे ही कायर ताबूत खोलता है, आसमान में लगातार बिजलियां चमकने लग जाती हैं, बादल गरजने लग जाते हैं, हवाएं जोरों से चलने लग जाती हैं, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कायर तो ताबूत के अंदर देखकर देखते ही रह गया था, उसकी वहां से नजर ही नहीं हट रही थी। युग कायर से पूछता है, कायर क्या है ताबूत के अंदर? मेरे पापा का शरीर ही है ना, कहीं इस महाडायन ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली है? कायर कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकटक नजर से ताबूत के अंदर ही देखते रहता है। युग फिर पूछता है, कायर तू चुप क्यों है? बोलना क्या है ताबूत के अंदर? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, महाडायन तुरंत कछुए की तरफ नजरें करती है और उसे गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तू इसे यहाँ पर लेकर आया है ना, अब तू भी मरेगा। तू अपनी मौत के पास चलकर आया है और अब वो मौत तेरे गले मिलेगी। आ, अपनी मौत से मिल। महाडायन का गुस्सा देखकर कछुए की भी जान हलक में आ जाती है। वो समझ गया था कि महाडायन उसे भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए कछुआ तुरंत अपना नाखून महाडायन की तरफ करता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है।
कछुआ ने अभी मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि उसी वक्त एक और चोटी सांप की तरह लहराती हुई आती है और कछुए के मुंह से बनते हुए उसके पूरे बदन से लिपट जाती है। कछुए को उसके मुंह से लेकर पैर तक बांध देती है। वो भी युग की तरह लाचार हो जाता है। कायर तो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पा रहा था। महाडायन खुद से बड़बड़ाते हुए डरावनी आवाज में कहती है, गलती कर दी यहाँ पर आकर तुम लोगों ने। अब मरोगे तुम सब, कहा था ना चले जाओ, पर नहीं गए ना। अब उसकी सजा भुगतो तुम लोग, और सजा है मौत। महाडायन की बातें सुनकर कायर और युग भी अब डर गए थे और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए किसी जानवर की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे, जो कुछ ही देर में हलाल होने वाला था। कायर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो इतना डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, उसके मुंह से एक चूं तक नहीं निकल रही थी। कायर मन में सोचने लग जाता है, इस युग और कछुए के पास तो शक्तियां थी, तब भी ये महाडायन का कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, तो मैं भला इस महाडायन का क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहीं पर चुपचाप खड़े रहता हूँ, वरना मेरा हाल भी इन दोनों की तरह ही हो जाएगा। कायर वहीं पर खड़े रहता है। वो अपनी आंखों के सामने युग और कायर को तड़पते हुए देख रहा था। वो चोटी जो उनके हाथ पैर बदन में बंधी हुई थी, वो धीरे धीरे वो कसते जा रही थी और इतना कस गई थी कि उस चोटी ने उनके शरीर के अंदर के खून के प्रवाह को लगभग रोक दिया था और वो दर्द से तड़पने लग गए थे। उनके अंदर से आवाजें भी निकल रही थी, तो वो सिर्फ दर्द से कराहने की। युग और कछुआ दर्द से इतना कराह रहे थे कि कायर से भी उनकी ये तड़प देखी नहीं जा रही थी। महाडायन युग और कछुए की तड़प देख कर हंसते जा रही थी, जैसे उसे उन दोनों की तड़प देखने में बड़ा मजा आ रहा था। कायर कछुआ और युग को तड़पते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे अभिमन्यु की बात याद आ जाती है, जो अभिमन्यु ने उससे तब कही थी जब वो युग और कछुए के साथ जाने के लिए मना कर रहा था। कायर ये कह रहा था कि वो कछुए और युग के साथ जाकर क्या करेगा, उसके पास तो कोई शक्ति भी नहीं है जिससे वो युग और कछुए की मदद कर सके। उस वक्त अभिमन्यु ने उससे कहा था कि जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ मदद करने के लिए किसी शक्ति की जरूरत हो, इंसान बिना शक्ति के भी बहुत कुछ कर सकता है, बस जरूरत है तो हिम्मत की, और कायर तेरे अंदर बहुत हिम्मत है। कायर के दिमाग में अभिमन्यु की यही बात घूम रही थी, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है तेरे अंदर कायर। कायर के कान में बार बार यही आवाज गूंजी रही थी कि तभी उसका हाथ उसके पैंट की सामने की जेब पर जाता है, उसी जेब पर जिसमें उसने कुछ रखा हुआ था जो वो हवेली के अंदर से लेकर आया था। कछुए को हवेली के दरवाजे पर खड़ा करके कायर सामने की पैंट के अंदर ही उस चीज को थामते हुए कहता है, हाँ कायर तेरे अंदर बहुत हिम्मत है और आज उस हिम्मत को दिखाने का वक्त आ गया है। वो महाडायन अपनी जादुई चोटी से कछुआ और युग को तड़पा ही रही थी कि तभी कायर बड़ी हिम्मत करके कहता है, रुक जाओ महाडायन, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। महाडायन युग और कछुए से अपनी नजरें हटाते हुए कायर को देखते हुए कहती है, तू मुझे रोकेगा, तेरी ये मजाल। कायर डरने का नाटक करते हुए कहता है, मैं कैसे तुमको रोक सकता हूँ महाडायन, तुम तो सब जानती हो मेरे पास थोड़ी कोई काली शक्ति है जो मैं तुम्हें रोकूं। महाडायन कुछ नहीं कहती है, बस अपनी हरी चमकती हुई आंखों से कायर की आंखों के अंदर देखने लग जाती है। कायर के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महाडायन इतने गौर से उसकी आंखों के अंदर क्या देखने की कोशिश कर रही है। वो क्या कर रही थी? महाडायन कायर की आंखों में देख ही रही थी कि अगले ही पल वो कायर को घूरते हुए कहती है, तू ही था ना जिसने वो पहेली सुलझाई थी, मरना तो तुझे चाहिए सबसे पहले, तेरे ही कारण ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना, ना तू वो पहेली सुलझाता ना ये लोग यहाँ तक पहुंचते। जैसे ही महाडायन ये बात बोलती है, युग शॉक्ड हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बात महाडायन को कैसे पता चली, आखिर ये हम सब के बारे में इतना सब कैसे जानती है। महाडायन अभी भी कायर को गुस्से के साथ देखते हुए गुर्राए जा रही थी। कायर ने अपना हाथ अपनी जेब में डालकर रखा हुआ था, जैसे अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर ही वो कुछ खोलने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वो अपने हाथ बार बार घुमाया जा रहा था। पर वो ये सब इतनी चालाकी के साथ कर रहा था कि महाडायन की उस पर नजर ही नहीं पड़ रही थी। उसने महाडायन को उसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया था, वो जानबूझकर उससे इतना डर रहा था। कायर महाडायन को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना महाडायन हम यहाँ से चले जाएं, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। महाडायन गुस्से के साथ ही डरावनी आवाज में कहती है, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, अब यहाँ से कोई चीज जाएगी तो वो तुम तीनों की लाशें। कायर महाडायन की आंखों में देखते हुए ही उसके आसपास घूमते हुए कहता है, ऐसे कैसे तुम हमें मार सकती हो, मैंने डायना के मुंह से सुना था
तुम अच्छी मां डायन हो, तुम बाकी डायनों की तरह नहीं हो। तुम बलियां नहीं देती थी, वो तो तुमने भक्षानर को बचाने के लिए बलियां देनी शुरू करी थी क्योंकि तुम उससे प्रेम करती थी। कायर की ये बात सुनकर महाडायन को और गुस्सा आ जाता है। वो और गुस्से के साथ कायर को घूरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भक्षानर के नाम से ही चिढ़ हो रही थी। कायर हड़बड़ाहट के साथ ही महाडायन के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो महाडायन, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा कसम से। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब तो ये था कि तुम बहुत अच्छी हो, दयालु हो, इसलिए मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे कसम से। कायर महाडायन से जितनी भी बातें कर रहा था उसके आसपास घूमते हुए कर रहा था। कछुआ कायर के साथ बचपन से रहा था और उसकी हरकत देखकर कछुआ इतना तो जरूर समझ गया था कि कायर कुछ न कुछ खुराफात तो जरूर कर रहा था महाडायन के साथ। उसी वक्त कछुए की नजर कायर के पैंट की जेब पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि कायर की जेब में से पानी की बूंदें लगातार नीचे गिरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैंट की जेब के अंदर कोई सी बॉटल रखी हो जिसका ढक्कन खुला हुआ हो और वहीं से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हो। महाडायन कुछ नहीं बोल रही थी, बस गुस्से से कायर को घूरे जा रही थी। कायर फिर महाडायन के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, हमें जाने दो महाडायन, प्लीज हमें जाने दो, मैं वादा करता हूँ हम यहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। महाडायन डरावनी हंसी के साथ कहती है, वापस तो तब आओगे ना जब यहाँ से वापस जिंदा जा पाओगे। मैं आज ही तुम तीनों को भी ताबूत में ही कैद कर दूंगी जैसे लेखक बाबू कैद है। कायर घूमते हुए कहता है, मतलब अनुराग अंकल की लाश इसी ताबूत के अंदर है? महाडायन ताबूत को देखते हुए कहती है, हाँ वो लेखक इसी के अंदर है, पिछले 14 सालों से मैंने उसके शरीर को बहुत संभाल कर रखा है, कैसे न रखते, आखिर वो मेरा। महाडायन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही योग उसे बीच में टोकते हुए तड़पते हुए कहता है, तुमने इतने सालों से मेरे पापा की लाश को यहाँ पर क्यों छुपा कर रखा था, क्यों उसे संभाल कर रख रही हो? योग की तड़पने की आवाज सुनकर महाडायन को पता नहीं क्या होता है, उसके मुंह से खुद ब खुद बोल निकल पड़ते हैं, ताकि उसके हाथ ना लगे। योग अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ कहता है, किसके हाथ ना लगे? महाडायन जवाब देती है, तुम्हारी मौत के। इतना कहकर महाडायन जोर जोर से हंसने लग जाती है। हंसते हुए ही महाडायन खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ये ताबूत किसी को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, किसी को भी नहीं। कायर अपना लहजा बदलते हुए गुस्से के साथ कहता है, पर मैं इसे लेकर जाऊंगा, इस ताबूत को भी साथ और अपने दोस्तों को भी, देखता हूँ अब मुझे कौन रोकता है। अचानक से कायर का लहजा बदला देखकर महाडायन भी सकते में आ जाती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, अचानक से उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो दहाड़ रहा था, वो भी महाडायन के सामने जो उसका काल हो। महाडायन गुस्से के साथ कायर से पूछती है, क्या कहा तूने? कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, वही जो तूने सुना, मैं ये ताबूत भी लेकर जाऊंगा साथ में अपने दोस्तों को भी। तुझे क्या लगा चक्र सिर्फ तुझे ही बनाना आता है? एक चक्र मुझे भी बनाना आता है, जरा नीचे देख। कायर की ये बात बोलते ही महाडायन तुरंत अपनी नजरें नीचे करती है और वो देखती है कि फर्श पर उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना हुआ था जो पानी से बना हुआ था, जो एक एक बूंद के नीचे गिरने से बना हुआ था। महाडायन उस गोल घेरे के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। पानी की बूंदों का वो घेरा महाडायन के चारों तरफ बना हुआ था। वो बूंदें अभी भी एक दूसरे से कुछ दूरी पर थी जिस कारण वो मिलकर पूरा घेरा नहीं बना रही थी। महाडायन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके चारों तरफ आखिर क्या चीज थी। कायर फर्श पर बने पानी की बूंदों के उस गोल घेरे को देखते हुए कहता है, इसे हॉली वाटर सर्कल कहते हैं, जिसे कोई काली शक्ति पार नहीं कर सकती क्योंकि वो पवित्र जल है जिसके पास तुम जैसी काली शक्तियां कभी नहीं भटक सकती। तूने तो 7 चक्र बनाए थे ना तेरे पास पहुंचने से रोकने के लिए, पर तुझे रोकने के लिए हॉली वाटर का ये एक चक्र ही काफी है। जब तक तू इसे तोड़ेगी तब तक मैं ये ताबूत और अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा चुका हूँगा। महाडायन कुछ करने का सोच ही रही थी कि उसी वक्त कायर अपनी जेब से हॉली वाटर की बोतल निकालता है और बाकी बचा हुआ हॉली वाटर अपने हाथ में लेता है और कसकर बोलता है, सोल ऑफ क्राइस्ट सैंक्टिफाई मी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट सेव मी, ब्लड ऑफ क्राइस्ट इनेबिरेट मी, वाटर फ्रॉम द साइड ऑफ क्राइस्ट वॉश मी, पैशन ऑफ क्राइस्ट स्ट्रेंथन मी, ओ गुड जीसस हियर मी, Within the wounds hide me, let me never be separated from thee, from the evil one deliver me, at the hour of my death call me and bid me come to thee, that with thy saints I may praise thee forever and ever, amen.
जैसे ही कायर ये बोलकर खत्म करता है, वो अपने हाथ का हॉली वाटर उन दीवारों पर डाल देता है जो महाडायन की हरे रंग की चमकती चोटी से लिपटी हुई थी। जैसे ही पहले हॉली वाटर की बूंद महाडायन की चोटी पर गिरती है, महाडायन कस कर चीखती है, आह नहीं। महाडायन की चीख के साथ पूरा पंचिम गांव तहक उठता है। सोए हुए पंछी जाग उठते हैं और कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। जैसे ही हॉली वाटर महाडायन की चोटी पर गिरता है, महाडायन की चोटी की हरे रंग की चमक लुप्त हो जाती है, वो काली हो जाती है और छोटी होने लग जाती है। वो स्पीड के साथ पीछे खींचने लग जाती है। दीवारों और छतों पर जो चोटी फैली हुई थी उनमें भी हलचल होनी शुरू हो जाती है और वो भी पीछे जाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चोटी वापस से महाडायन के सिर में जा रही थी। सिर्फ दीवारों और छत पर फैली हुई चोटी ही नहीं, बल्कि वो चोटी भी वापस चली गई थी जिससे युग के हाथ पैर और कछुए का बदन बंधा हुआ था। देखते ही देखते छत पर और दीवार पर फैली चोटी गायब हो जाती है। वो महाडायन के सिर में ही वापस आती है और अपने आप इतनी स्पीड से उसका जूड़ा बनता है कि उसका सिरा दिखाई नहीं देता। कमरे की दीवारें अब दिखाई देने लग गई थी, पर महाडायन का चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर परछाई थी। महाडायन कुछ करने का सोच ही रही थी कि तभी वो हॉली वाटर की बूंदों के जिस घेरे में खड़ी थी, वो हॉली वाटर की बूंद एक एक करके आपस में मिलने लग जाती है और आपस में मिलते हुए ही गोल घेरा बना लेती है। वो घेरा जैसे ही पूरा होता है, जिस तरफ से कांटेदार दीवार ऊपर उठती थी और एक लंबी दीवार बना लेती थी, ठीक उसी तरफ महाडायन के चारों तरफ पानी के एक गोल दीवार बन जाती है। महाडायन फिर चीखती है, नहीं। महाडायन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है, पर वो इतनी पवित्र थी कि इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली थी। महाडायन की आवाज हॉली वाटर की दीवार से दूसरी साइड सुनाई नहीं दे रही थी, वो इतनी ज्यादा पवित्र थी। कायर युग और कछुए के पास जाते हुए कहता है, तुम दोनों ठीक हो? युग कहता है, हाँ ठीक है, तूने अच्छा काम किया है कायर। कछुआ कायर को देखते हुए कहता है, तो तू हॉली वाटर लेने गया था हवेली के अंदर? कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ उसे कैसे छोड़ सकता था मैं। महाडायन की चोटी से बंधे रहने के कारण युग और कछुआ के हाथ पैर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए थे, इतने कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कायर की आंखों के सामने ही ताबूत रखा हुआ था। महाडायन का वो हर्ष करके उसके अंदर अब हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो उस ताबूत को खोलने की सोचने लग जाता है। कायर अगले ही पल खड़े होता है और उस ताबूत के पास जाता है। जैसे ही वो उस ताबूत को छूता है, आसमान में ढेर सारे काले बादल जमा होने लग जाते हैं। कायर बड़ी मशक्कत के साथ उस ताबूत को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। वो ताबूत बहुत भारी और पुराना था, जिस कारण उसे खोलने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। युग और कछुए की नजर भी कायर पर ही जमी हुई थी। जैसे ही कायर ताबूत खोलता है, आसमान में लगातार बिजलियां चमकने लग जाती हैं, बादल गरजने लग जाते हैं, हवाएं जोरों से चलने लग जाती हैं, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कायर तो ताबूत के अंदर देखकर देखते ही रह गया था, उसकी वहां से नजर ही नहीं हट रही थी। युग कायर से पूछता है, कायर क्या है ताबूत के अंदर? मेरे पापा का शरीर ही है ना, कहीं इस महाडायन ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली है? कायर कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकटक नजर से ताबूत के अंदर ही देखते रहता है। युग फिर पूछता है, कायर तू चुप क्यों है? बोलना क्या है ताबूत के अंदर? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।